हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या क्या मेजर इनिशिएटिव, क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं 2018 में, यानी कि उसका ईयर एंड रिव्यू डीएससी का। और ये वीडियो जो है वो आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट और मेंस के पर्पज़ से भी बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बेसिक रिसर्च की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कंट्री है, और 2018 में भी हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अगर डीएसटी की बात करें तो वो 1971 में बना था, और उसका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है नए एरिया जो भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे रिसर्च करें, और मतलब ऐसा रोल ये प्ले करें नोडल डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेट करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अपने देश में। तो जो मेज़र हाईलाइट्स हैं 2018 की, वो हम देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2018 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिसंबर 2018 में जो है एक नया मिशन लॉन्च हुआ है, NMICPS, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। किसने लॉन्च किया है? डीएसटी ने। ये कितने साल के लिए होगा? ये 5 साल के लिए होगा। किस लिए? ये एड्रेस करेगा जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसको, और किसको ध्यान में रखते हुए? जो इंटरनेशनल ट्रेंड है उनको ध्यान में रखते हुए, और जो रोड मैप हैं जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको देखते हुए, जो नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए। तो जो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, प्री में आ सकता है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। देखिए, साइबर फिजिकल सिस्टम तो देखने से लगेगा कि MeitY का होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, लेकिन ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इसका पीरियड कितना है? 5 साल। और ये एड्रेस करेगा जो नई हमारी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसको, और जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, और जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनके रोड मैप को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है, ये जो मिशन है NMICPS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नवंबर 2018 में जो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्राइज़ लॉन्च किया है, उसका नाम है द ग्लोबल कूलिंग प्राइज़। उसे नाम से लग रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में होगा, लेकिन ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये क्या है? ये एक इनोवेशन चैलेंज है, और ये क्या एम कर रहा है? ये एम कर रहा है कि जो रेजिडेंशियल कूलिंग सिस्टम हो, जो रेजिडेंशियल आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, ये सब कोई ऐसा डेवलप करे जो कि 5 टाइम लेस क्लाइमेट इम्पैक्ट हो, जिसका मतलब 5 गुना क्लाइमेट इम्पैक्ट उसका कम हो जो कि टुडेज स्टैंडर्ड है उनसे। अब ये क्या करेगा? अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये प्रिवेंट करेगी 100 गीगाटन बहुत ज़्यादा होता है, 100 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट एमिशन का, कब तक? 2050 तक। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट कब तक? 2050 तक ये प्रिवेंट करेगा। प्राइस कितना दिया जाएगा? $30 लाख, यानी कि $3 मिलियन अवार्ड किया जाएगा प्राइस में, और ये 2 ईयर का कॉम्पिटिशन है। ग्लोबल कूलिंग प्राइस इनोवेशन चैलेंज है, कौन करा रहा है? डीएसटी। और किस चीज़ के लिए? रेजिडेंशियल कूलिंग सॉल्यूशन जो दे, जो कि 5 गुना कम कार्बन इम्पैक्ट हो जिसका, इससे क्या होगा? 100 गीगाटन जो है CO2 इक्विवेलेंट हमारे 2050 तक बच जाएगा, और प्राइस कितना दिया जाएगा? 3 मिलियन। इसके अलावा देखिए, आशियान इंडिया इनोटेक समिट हुई नई दिल्ली में, इसमें और ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है? रिसर्चर जो है, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप वगैरह, ये लोग फैसिलिट करेंगे आशियान इंडिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डाटा बैंक, जो कि हमारे यहाँ डाटा वगैरह शेयर करेगा इंडिया और आशियान कंट्री के स्टेक होल्डर्स के बीच में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, वो हमने उज्बेकिस्तान के साथ जो है एरिया, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ SNT एंड इनोवेशन, इंडिया और उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। अब देखिए, वायु जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, वेहिकुलर जो व्हीकल्स होता है उसके लिए वायु विंड ऑगमेंटेशन एंड प्योरीफाइंग यूनिट, ये सितंबर में लगाया गया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो आपका चांदनी चौक एरिया है, मुकरबा चौक में वायु जो है वो यूनिट लगाई गई थी। ये क्या करेगी? ये हेल्प करेगी आपका एम्बिएंट एयर पोल्यूशन लेवल जो उसे है उसे रिड्यूस करेगा, जो एयर पोल्यूशन लेवल है, जो व्हीकल जो भी हाई कंसंट्रेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन ये कम करेगा ये वायु। ये किसे किसे रिड्यूस करेगा? PM10 को, PM2.5 को, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर VOCs को, जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको, फिर हाइड्रोकार्बन्स को, जो भी एमिट हो रहे हैं व्हीकल से एटमॉस्फेयर में, उनको ये कम करेगा। ये जो डिवाइस है वो 60,000 रुपये की है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा 1,500 रुपये पर मंथ। तो ये हो गया वायु।
अब सितंबर में जो है एक पीपीपी इनिशिएटिव हुआ, पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव, उसका नाम था द मेक टुमारो फॉर इनोवेशन जनरेशन। ये किसके किसके बीच में साइन हुआ है? इंटेल टेक्नोलॉजीज, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंडो यूएस एसएनटी फोरम। तो ये इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये किन किन के बीच में साइन हुआ है, ये जो पीपीपी इनिशिएटिव है। सिंपल सा क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ लेंगे कि द मेक टुमारो फॉर इनोवेशन जनरेशन किससे रिलेटेड है, और मतलब ये क्या है, पब्लिक फोरम है कि ये एनजीओ है, क्या है? तो ये एक पीपीपी इनिशिएटिव है जो कि डीएसटी, इंटेल टेक्नोलॉजी और इंडो यूएस एसएनटी फोरम ये एनकरेज कर रहा है स्कूल के चिल्ड्रन को जिनकी उम्र है 14 से 17 साल की, वो इनोवेटिव प्रोटोटाइप बनाएं, और इसके लिए उन्हें जो किट दी गई है उसको उससे। अब देखिए जुलाई में क्या हुआ, इंडिया कोरियन इंडो कोरियन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इकरी, ये इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पर? इंडिया में। अब ये हब की तरह काम करेगा, सिस्टमेटिक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव प्रोग्राम जो कि रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में। इकरी, इंडो कोरियन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, ये कहाँ पर है? इंडिया में बना है। अब देखिए ब्रिक्स में जो है जो मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेटर, जो ब्रिक्स साइंटिस्ट कॉन्क्लेव थी उसमें जो मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेटर का एक अवार्ड जो है एक इंडिया के इनोवेटर को मिला, जो कि जिसकी उम्र महज 23 साल थी। उसका नाम क्या था मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन जो है उसकी मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई डेनमार्क में, और वहाँ पर क्या हुआ, 10 ईयर ऑफ इंडो डच साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोऑपरेशन, नहीं 10 साल जो हो गए हमारे इंडिया और डेनमार्क के बीच में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का कोऑपरेशन है उसको 10 साल हो गए हैं, और मिशन इनोवेशन की मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी डेनमार्क में। देखिए इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी डायलॉग भी हुआ अप्रैल में, इसमें किस किस की बात की गई, जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकॉनमी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन ग्रोथ, स्मार्ट अर्बनाइजेशन, फ्यूचर मोबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब फ्यूचर के चैलेंज हैं जो ग्लोबल चैलेंज हैं, तो उनके ऊपर जो कोलैबोरेशन है उसे स्केल अप करना है हमें। तो ये आप अगर मेंस में अगर आपको लिखना है तो ये आप किसी भी देश के साथ लिख सकते हैं कि जो है साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी में हम इन सब पे एक साथ काम कर रहे हैं या हमारा MOU साइन हो चुका है। जो विज़न है हमारे यहाँ का इंडिया यूके कोलैबोरेशन का, उसमें यह है कि 400 मिलियन जो है 2021 तक हमें रेस करना है, 400 मिलियन यूरो बाय 2021। एक इम्पॉर्टेंट है FOIN, ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया FOIN, कई जगह लिखते हैं कई जगह FIN ही लिखते हैं, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं, देखिए तीन जो है SERB की स्कीम है, SERB का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। पहली आपकी तारे TARE, टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। अब देखिए हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है फैकल्टीज़ जो भी हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन दिक्कत उन्हें यह आती है कि उनके पास जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस स्कीम में स्कीम क्या कर रही है, ये मोबिलाइज करेगी ऐसे फैकल्टी मेम्बर को जो रिसर्च कैरी आउट करना चाह रहे हैं, और कहाँ पर, ऐसे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि IIT हो गया, ISC हो गया, या अदर नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, NITs हो गए। तो कोई भी टीचर है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी है, तो वे जो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च के लिए, तो वो टीचर वहाँ पर जा कर के अपना रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तारे टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। अब इसमें 500 TAs को सपोर्ट करेगा, यानी टीचर एसोसिएट को ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा। जो सेकेंड स्कीम है सर्ब की, वो है ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप। इसमें क्या है कि 100 PhD स्टूडेंट जो होंगे हमारे यहाँ जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशन में होंगे, उन्हें जो है एक्सपोजर देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए ओवरसीज़ की यूनिवर्सिटी में, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी या जो कि बहुत ही रेप्यूटेड हैं वहाँ पर इन्हें दिया जाएगा 12 महीनों के लिए ड्यूरिंग देयर PhD रिसर्च। जो डॉक्टरल रिसर्च वो कर रहे हैं उसी बीच में इन्हें
12 महीने तक के लिए, अप टू, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, अप टू 12 मंथ उन्हें एक्सपोजर दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी विदेश के जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट है उनमें। एक अवार्ड है सर्व डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड, तो जो प्रिंसिपल इंस्टिगेटर्स होंगे इन्वेस्टिगेटर्स उनको दिया जाएगा जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। इसके अलावा इंडिया ने पहली सुपर क्रिटिकल ब्रेटॉन साइकिल CO2 की टेस्ट फैसिलिटी डेवलप कर ली है, कहाँ पे? IISc बेंगलोर में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, वहाँ पर पहली सुपर क्रिटिकल ब्रेटॉन साइकिल CO2 टेस्ट फैसिलिटी। ये क्या है? हाईली एफिशिएंट कॉम्पैक्ट पावर प्लांट जो कि डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ हीट सोर्स है जैसे सोलर हो गया, इन सबसे जो चलता है, ये ब्रेटॉन टेस्ट फैसिलिटी CO2 की। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल CO2 क्या होता है आप कमेंट करके बताएं। बेसिकली जो है अपने क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ क्रिटिकल प्रेशर हो, वो अगर रियलाइज कर लिया CO2 ने तो वो सुपर क्रिटिकल हो जाता है। ये टेम्परेचर प्रेशर कितना आप कमेंट करके बताएं। अब देखिए अवसर, ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। अब इसमें ये क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कुछ ऐसा लिखें ताकि जो कॉमन पर्सन जो है उसका इंटरेस्ट जागे साइंस एंड टेक में। तो ऐसे वो रिसर्च स्टोरीज बताएं मासेस को ऐसे फॉर्मेट में जिनसे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। इससे क्या होगा जो है हमारे यहाँ साइंस को फिलिप मिलेगा। इसके अलावा श्रीमान, देखिए जितने भी इस तरह के श्रीमान हो गए, सृष्टि हो गए, ये सब क्या हैं, जितने भी ये फुल फॉर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके नाम से पता नहीं चलता, श्रीमान से आपको नहीं लगेगा कि ये SNT का प्रोग्राम होगा। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है श्रीमान जिसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस नेटवर्क। अब ये क्या है, 2019 में से बनाया गया, फ्रेम किया गया है और ताकि प्रमोट किया जा सके नए एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और फोकस कहाँ होगा हमारा, एम्फेसिस कहाँ होगा, जो कि एमर्जिंग एरिया है जहाँ हम इंटीग्रेट कर सकें साइंस एंड टेक को, जिसका क्रॉस सेक्टोरल लिंकेज है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक फॉर वीकर सेक्शन, वुमेन एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अदर्स। तो ये बेसिकली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है श्रीमान। तो ये सब हमारे लास्ट ईयर में कुछ इनिशिएटिव या पॉलिसीज थी साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की। तो ये आपको देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।